वेलकम टू फार्माजोश यूट्यूब चैनल। टुडे हियर वी डिस्कस अबाउट द एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। जो हमारा सब्जेक्ट है एनाटॉमी, उसके अंदर हम कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, वो सब्जेक्ट को आपको अच्छी तरह से समझने के लिए फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज टर्मिनोलॉजी। तो आज हम यहाँ पे उसके बारे में थोड़ी अब बात करेंगे। तो लेट अस वी कंटिन्यू द एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो फर्स्ट इन थिंग दैट हियर यू कैन सी दिस इज द एनाटॉमिकल पोजिशन। तो हमारे पास यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे दो फोटोग्राफ लगाए, एक जो ए है दिस इज द एंटेरियर पोजिशन एंड दूसरा जो है दिस इज द पोस्टेरियर पोजिशन। एंटेरियर पोजिशन का मतलब क्या है कि ए जो बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, वन पर्संस, वो वन पर्संस आर स्टैंडिंग लाइक द फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, फ्रंटली खड़ा हुआ है। दैट मीन्स उसका फेस जो है वो हमारे सामने है, उसके पाम जो है वो भी हमारे सामने है। तो ये जो कंडीशंस है, ऐसी पोजीशन को हम बोलेंगे एंटेरियर पोजीशन। एंड यहाँ पे जो जो है ये बंदा ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है, उसका फेस जो है वो बैक साइड पे है, उसके पाम जो है वो भी बैक साइड पे है। ऐसी जो पोजीशंस है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे पोस्टेरियर टाइप ऑफ द पोजीशन। कभी भी कोई भी जगह पे वर्ड आए एंटेरियर पोजीशन एंड पोस्टेरियर पोजीशन, दैट मींस यू आर अंडरस्टैंड अबाउट दैट थिंग, ये आपको समझना होगा। दूसरी यहाँ पे बात के, ये जो ऐसी कंडीशन में कैसे होता है, बॉडी इरेक्ट, यहाँ पे बॉडी पूरी इरेक्ट है, यहाँ पे देख के फीट स्लाइटली अपार्ट, ये दोनों पाँव है वो थोड़े एक दूसरे से दूर है, दिस इज द पाम फेसिंग फॉरवर्ड, ए जो है पाम वो फेसिंग फॉरवर्ड साइड पे है, ए जो एंटेरियर पोजीशन में ए साइड पे फॉरवर्ड, पोस्टेरियर पोजीशन में वो साइड पे फॉरवर्ड है। थंब पॉइंट जो है वो अवे है, ए जो बॉडी से थंब पॉइंट वो है वो दूर है फ्रॉम द बॉडी। तो ए जो कंडीशन है उसको हम एंटेरियर एंड पोस्टेरियर पोजीशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात करें कि ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शनल टर्म, कितने सारे टर्म ऐसे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से टर्म की बात कर रहे हैं। वन थिंग दिस सुपीरियर वर्सेस इंफीरियर, उसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे आपको फोटोग्राफ के साथ समझाऊंगा। दूसरी जो चीज है एंटेरियर वर्सेस पोस्टेरियर, उसका मतलब देखिए। तीसरी बात दिस इज द मीडियल वर्सेस लेटरल। चौथी जो है प्रॉक्सिमल वर्सेस डिस्टल। पांचवी सुपरफिशियल वर्सेस डीप एंड छठी इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। तो अभी मैं यहाँ पे वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट थिंग दिस इज सुपीरियर वर्सेस इंफेरियर। तो यहाँ पे देखिए ए रहा वर्ड सुपीरियर और ए रहा वर्ड यहाँ पे इंफेरियर। अभी इसका मतलब आप समझना, सुपीरियर तो जो ये जो बॉडी है, ए बॉडी का जो ऊपर का पोर्शन की कोई भी बात करेंगे हम तो सुपीरियर, सुपीरियर। सपोज कि आप जब भी हार्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तभी एक वर्ड ज्यादा आएगा, सुपीरियर वेना कावा। दैट मींस एक जो ऐसी आर्टरी है, जो ऐसी वेन है, वो क्या करेंगे कि हमारे हेड का जो पूरा ब्लड है वो सीधा हार्ट में लेके आएंगे, उसको हम बोलेंगे सुपीरियर। सुपीरियर दैट मींस ऊपर वाली चीज, हमने कि ए हमारे सुपीरियर सर है, सुपीरियर दैट मींस वो ऊपर वाले सर। तो सुपीरियर मतलब हम बॉडी सी बात करें तो ऊपर के इलाके की कोई भी हम बात करेंगे उसके अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या, सुपीरियर के बारे में। दैट मीन्स सुपीरियर का कहीं वर्ड लिखा, दैट मीन्स बॉडी के ऊपर के भाग का डिस्कशन हो रहा है। इंफेरियर का मतलब के बॉडी से नीचे का भाग का डिस्कशन हो रहा है, नीचे ने भाग में से कोई भी ब्लड लेके आएगी उसको हम इंफेरियर वेना कावा बोलेंगे या इंफेरियर आर्टरी बोल सकेंगे। तो ऐसा कोई भी वर्ड्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब आपको समझना है सुपीरियर मतलब ऊपर का, इंफेरियर मतलब नीचे का। दूसरी वर्ड एंटेरियर वर्सेस पोस्टेरियर। एंटेरियर वर्सेस हमने आगे अभी भी देखा, वही एंटेरियर मतलब के जो भी कोई बंदा, कोई इंसान,
जो है वो फ्रंटली खड़ा है उसको हम बोलेंगे एंटीरियर, एंड कोई भी बंदा जो है वो बैक पोजीशन पे खड़ा है उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर, जो अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड के अंदर भी बताया। तीसरी बात करें मोस्ट यूज्ड मीडियल वर्सेस लेटरल, ए जो है वर्ड, ए रहा मीडियल और ए दो वर्ड रहे यहाँ पे लेटरल। तो मीडियल और लेटरल का मतलब क्या है? सपोज कि ए मिड लाइन है हमारी बॉडी के, मिड लाइन, ये मिड लाइन की कभी भी कोई बात होगी तो उसको हम बोलेंगे मीडियल पोजिशन। सपोज कि यहाँ पे देखा जाए तो ये हार्ट है नीचे, हार्ट, तो कोई बात करेगा वेर इज द लोकेशन ऑफ हार्ट, तो हार्ट का लोकेशन जो है वो मीडियल पोजीशन से स्लाइटली लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट लोकेशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सपोज के लीवर की बात करें तो लीवर कहाँ पे, कि उसका एक पॉइंट जो है वो मीडियल पोजीशन में है और लार्जर पोर्शन जो है वो लेटरल पोजीशन की तरफ है, तो ऐसा हम यहाँ पे बता सकते हैं। लेटरल पोजीशन दैट मे बी ऑन द लेफ्ट साइड और दैट मे बी ऑन द राइट साइड। तो मिस लेटरल का मतलब, मीडियल का मतलब यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे की पॉइंट की बात करें यहाँ पे प्रॉक्सिमल वर्सेस डिस्टल, ए यहाँ पे दिया गया है, ए रहा, ए प्रॉक्सिमल वर्सेस डिस्टल की बात है। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है कि सपोज कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है हमारे हाथ का, तो हमारे हाथ के अंदर जो नीचे से ऊपर की बात करेंगे तो उसको हम बात करेंगे प्रॉक्सिमल। एक में हाथ का एग्जाम्पल दिया है, मगर कोई भी चीज की नीचे से ऊपर की तरफ बात हो रही है उसका मतलब प्रॉक्सिमल, और ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज की बढ़ रही है या कोई बात हो रही है उसका मतलब डिस्टल। ए डिस्टल और प्रॉक्सिमल का मेन मतलब हमारे नेफ्रॉन के अंदर आएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटल ट्यूब्यूल्स और डिस्टल कन्वोलेटल ट्यूब्यूल्स। तो जस्ट वो बात कर रहे हैं नीचे से ऊपर की और ऊपर के नीचे सी, वो वर्ड यहाँ पे यूज किए गए प्रॉक्सिमल। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। एक यहाँ पे सुपरफिशियल वर्सेस डीप, ये हम डायग्राम से नहीं समझेंगे, जस्ट सिंपल फिशियल हम समझते हैं। सुपरफिशियल वर्सेस डीप, सुपरफिशियल का मतलब क्या है कि सरफेस के ऊपर की बात कर रहे हैं, डीप का मतलब अंदर की बात। सपोज का हम यहाँ पे बात करें कि एनी पर्सन जो है दो सफर विद सुपरफिशियल इन्फेक्शन, उसको स्किन के ऊपर का ही थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, मगर वन पर्सन इज देयर दोज आर सफरिंग द डीपली इन्फेक्शन, दैट मीन्स वो इन्फेक्शन जो है वो स्किन से अंदर जाके बॉन तक पहुंच गया है, ऐसे इन्फेक्शन को हम यहाँ पे बोलेंगे डीपली। तो डीप मतलब बहुत ऊपर, बहुत अंदर तक का कोई चीज हो, कोई उसकी बात कर रहे हैं वो, और सुपरफिशियल मतलब के ऊपर की बात नहीं बोल रहे, क्योंकि मैं आपको सुपरफिशियली बताता हूं तो थोड़ा बहुत कुछ देता हूं, मगर मैं आपको डीपली बताना चाहता हूं कि अंदर की पूरी बात, उसको हम बोलेंगे डीपली। तो यहां पे भी आपको ह्यूमन बॉडी के साथ कोरिलेशन करके समझ में आया होगा कि वॉट इज सुपरफिशियल्स एंड वॉट इज डीप। और एक वर्ड यहां पे इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। सपोज के कोई बात की जाए तो स्किन जो है वो एक्सटर्नली ऑर्गन हम बोल सकते हैं, हमारा हार्ट जो है वो इंटरनल ऑर्गन बोल सकते हैं, हमारा नाक है कान है वो हम बोल सकते हैं एक्सटर्नली ऑर्गन, और हमारा लंग्स लिवर किडनी वो हम बोल सकते हैं इंटरनली ऑर्गन। तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ गया होगा इंटरनल का मतलब क्या है और एक्सटर्नल का मतलब क्या है यहां पे। आगे बात करें बॉडी सेक्शन के बारे में और बॉडी प्लेन के बारे में। बॉडी को मेनली तीन सेक्शनों में डिवाइड किया जा सकता है, उसको बोल सकते तीन प्लेन के अंदर डिवाइड किया गया है। प्लेन के अंदर फर्स्ट जो बात करें जो है एक प्लेन यहां पे, दिस इज सैगिटल और मीडियन प्लेन। सैगिटल और मीडियन क्या है, कैसे? तो डिवाइडेड बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पोजीशन। ये सैगिटेलियल पोजीशन का मतलब है कि सपोज के ये जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है यहां पे उसको बीच में से कट कर दिया जाए तो उसको लेफ्ट एंड राइट पोजीशन ऐसे दो पोजीशन में डिवाइड किए जा सकते हैं। ऐसी जो पोजीशंस है उसको हम बोलेंगे सैगिटल और मीडियल टाइप ऑफ द पोजीशन।
आगे बात करें मिड सैगिटल, मिड सैगिटल का मतलब क्या है कि द डिवाइड, यहां पे देखे कि डिवाइड बॉडी इनटू इक्वल लेफ्ट एंड राइट पोजीशन। यहां पे जो बात करेंगे ये जो है मिड सैगिटियल की बात हुई, ये मिड सैगिटियल। अभी ये जो दूसरी यहां पे बात हो रही है वो कौन सी है, मिड सैगिटल की बात। उसको भी हम बीच में से काटे, उसको भी हम बीच में से काटे तो भी वो उसको दो में राइट और लेफ्ट साइड में यहां पे डिवाइड किए जा सकते हैं। आगे मैं उसको फोटो भी आपको दिखाऊंगा। ट्रांसवर्स सेक्शन देखा जाए तो ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल, तो बॉडी डिवाइडेड इनटू सुपेरियर एंड इंफेरियर पोजीशन, बॉडी डिवाइडेड इनटू सुपेरियर एंड इंफेरियर पोजीशन। ये ट्रांसवर्स सेक्शन जो है ये ऐसे बॉडी को बीच में से काटा जाए वो यहाँ पे बात करें, सुपेरियर एंड इंफेरियर पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये जो हमने पहली बात की कि बॉडी को बीच में से काटा जाए, तो ये जो है ये यहाँ पे दिस इज द सेगिटेलियल पोजिशन, मीडियल पोजिशन। इसको बीच में से काटा है राइट एंड लेफ्ट साइड पे। दूसरी जो बात करें ये जो है यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन की बात कर रहे हैं, बॉडी को बीच में से सीधा काट दिया जाए तो ऐसी पोजिशन में। एंड लास्ट में जो है ये हमारी कान की साइड के काटने की बात कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे बोलेंगे मिड सैगिटल टाइप ऑफ द पोर्शन। तो ऐसे बॉडी को तीन सेक्शनों में डिवाइड किया जा रहा है, ये आप फोटोग्राफ से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अभी बात करें लास्ट पोर्शन के अंदर के बॉडी के रीजनल टर्म जो है, बॉडी के एक एक ऑर्गन को अलग अलग साइंटिफिक नाम से हमारी बुक्स के अंदर यूज किए जाएंगे। तो कैसे, तो यहां पे देखिए ये है ए, नोज को हम बोलेंगे नजल। यहां पे माउथ की बात करेंगे ओरल बुक के अंदर होगा, निक को सर्वाइकल बोला जाएगा बुक के अंदर। यहाँ पे एक्रोमियल मीन्स पॉइंट ऑफ शोल्डर को, दिस इज द आर्म पिट को एक्सिलरी एरिया बोला जाएगा। एब्डोमिन को एब्डोमिनल एरिया, आर्म को दिस इज द ब्रेंचियस, फ्रंट ऑफ एल्बो को दिस इज द एंटेक्यूबिटल्स, फोर आर्म को दिस इज द एंटेब्रेंचियल्स, ये पेल्विक तो पेल्विक, व्रिस्ट कार्पेल। तो ये जो सभी है थंब को पॉलेक्स, पाम को पाल्मर, फिगर को डिजिटल्स, जेनिटियल रीजन को प्यूबिक एरिया, एंट्रियर नी को दिस इज द पटेलर, ये जो पटेलर, लेग को क्रूलर, एंकल को टार्सल्स, टॉइस को डिजिटल। तो ये जो सभी एरियाज है उसको यहाँ पे डिफरेंट साइंटिफिक नाम से बोला जाएगा। तो आपको ये समझना है और अच्छी तरह से इसके मीनिंग भी आपको याद रखने हैं। ये मैंने बैक साइड पक्का यहाँ पे फोटोग्राफ लगाया है, वही सेम टू सेम ये वही है। हेड को हम यहाँ पे सिफेलिक भी हमारी बुक में बोला जाएगा, हैंड को दिस इज द यहाँ पे बोला जाएगा मैनस, ये जो है दिस इज द बुटो को ग्लूटियर एरिया बोला जाएगा। तो जस्ट ऐसे यहाँ पे हील को दिस इज द कैल्केनियल बोला जाएगा, सोले को प्लैंथर बोला जाएगा। तो ये जो एरिया है उसको ऐसे नाम से साइंटिफिक नाम के अंदर डिवाइड किया गया है। तो आई थिंक यू आर इजिली अंडरस्टैंड अबाउट दैट कि ये जो यहाँ पे कैसे नाम है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी वो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फार्माजोश यूट्यूब चैनल। अभी सपोज आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल को शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।